एक गांव में एक लालची दूध वाला रहता था। उसके पास एक भैंस थी। उसकी भैंस ज्यादा दूध नहीं देती थी, इसलिए वो अपनी भैंस को इंजेक्शन लगाता था ज्यादा दूध निकालने के लिए। और दूध निकालने के बाद वो अपनी भैंस को छोड़ देता है गांव में घूमने के लिए। वो भैंस घूमते घूमते जंगल में चली जाती है। जंगल में एक चुड़ैल होती है, वो उस भैंस को देख लेती है। अरे ये तो एक भैंस है, लगता है ये घूमते घूमते यहाँ पर आ गई है। चलो मैं इसके शरीर पे कब्जा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं गांव के लोगों को तंग करूंगी। उसके बाद वो चुड़ैल उस भैंस के अंदर चली जाती है। अरे इतनी रात हो गई लेकिन मेरी भैंसिया अभी तक आई नहीं, कहीं किसी ने चुड़ा तो नहीं लिया? नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, थोड़ी देर में वो आ ही जाएगी। थोड़ी देर बाद वो भैंस आ जाती है। अरे तुम आ गई, इतनी देरी क्यों हो गई आने में? अब से ऐसा मत करना, ऐसे नहीं चलेगा। उस इंसान की बात सुनने के बाद भैंस को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से उस इंसान को मारती है और वो इंसान नीचे जमीन पे गिर जाता है। अरे मर गया, अरे अरे तुझे क्या हुआ, तू मुझे क्यों मार रही है, लगता है पागल हो गई है क्या? उसके बाद वो भैंस का चेहरा चुड़ैल में बदल जाता है। अरे मर गया, अरे अरे ये तो चुड़ैल है, मेरी भैंस चुड़ैल निकली, अब क्या होगा मेरा, ये चुड़ैल तो मुझे कच्चा खा जाएगी। हे चुड़ैल मुझे माफ कर दो और मुझे यहाँ से जाने दो। ए लालची दूध वाले, तूने इस बेजुबान भैंस पर बहुत अत्याचार किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे इसकी सजा मिलेगी। हे चुड़ैल मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था इसीलिए अपनी भैंस को इंजेक्शन लगाता था, मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ठीक है मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने फिर से भैंस को इंजेक्शन देना शुरू किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद वो चुड़ैल भैंस के अंदर से निकल जाती है और चली जाती है। तो बच्चों आज के स्टोरी में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो अभी के अभी हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही जादुई कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो ये बेल आइकन है ना इसे जरूर दबाएं, इससे ये होगा कि हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा।